हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योतिष किचन एंड व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, पहले तो आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज है 12 तारीख और मैं लगवा रही हूँ अपने हाथ पे मेहंदी। ये मेरा राइट वाला हैंड है, क्योंकि ना अपने आप से राइट वाले हैंड में लग नहीं पाती है, तो इसीलिए मैं अपनी फ्रेंड से लगवा रही हूँ। और ये है मेरा लेफ़्ट वाला हैंड, जिसमें मैं खुद लगा रही हूँ। रात के बच्चों के हैं 11, बच्चों को सुला दिया है मैंने, सब काम ख़त्म करके ये मैंने लगाई मेहंदी। तो कैसी लगी है दोस्तों, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, दोनों हाथ में मेहंदी लग चुकी है, एक में पहले लगा ली थी। और दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 4:30 और मैंने सरगी बना के तैयार कर ली है। ये जो व्रत है, मैं इसको निर्जला रखती हूँ, मैं इसमें बिल्कुल भी पानी चाय कुछ नहीं पीती हूँ, और मैंने शुरू से ऐसे ही रखा है। आया है, मैंने उससे पहले खाना आधा बना दिया है, और ये पकोड़े के लिए मैंने बैटर तैयार करके रख दिया है, आटा गूंद दिया है, और मेरी सब्जी बन गई है, खीर बन गई है। और अब मैं रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि अब चांद आने का टाइम हो रहा है, और उसके बाद मैं पूरी और पकोड़ी फिर बनाऊँगी। तो अभी हम तैयार होते हैं फटाफट से। तो मैंने अपनी साड़ी और चूड़ी जेवर थोड़ा निकाल के रख लिया है, और अब रेडी होते हैं। इस बार मैं यही वाली साड़ी पहनने वाली हूँ, क्योंकि लहंगा इस बार मैं नहीं लाई हूँ घर से, तो मैं इसलिए लहंगा नहीं पहन रही हूँ, ये साड़ी पहनूँगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं चूड़ी डाल लेती हूँ, क्योंकि चूड़ी में जल्दीबाजी में ना फिर मॉल जाती हैं, इसीलिए पहले आराम से तसल्ली से चूड़ी पहन लेती हूँ, उसके बाद मैं रेडी होंगी। तो चलिए दोस्तों, कैसी लग रही है मेरी चूड़ी। तो दोस्तों, मैंने जो इस चूड़ी का सेट बनवाया था, इसके आगे वाले कड़े नहीं पहन रही हूँ, क्योंकि मैं उसकी जगह पे अपने वहाँ का जेवर जो पहनूँगी, ये पौछी बोलते हैं उत्तराखंड में, इसको हाथों में पहने जाते हैं। आपके वहाँ क्या बोलते हैं इसको पता नहीं मुझे, आप मुझे बताइएगा कि आपके वहाँ इस जेवर को क्या कहते हैं। हमारे उधर तो इसको पौछी कहते हैं, जो गोल्ड में होती हैं। तो दोस्तों, ये देखिए मैंने चूड़ी पहन ली है, कैसी लग रही है। तो दोस्तों, यहाँ मैं अपने पतिदेव से हेल्प ले रही हूँ, क्योंकि इयररिंग खोलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मेरे पतिदेव बहुत अच्छे हैं, इस मामले में थोड़ी हेल्प कर देते हैं मेरी। तो दोस्तों, हो चुकी है पूरी तैयारी मेरी करवा चौथ की, मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब हम पूजा करेंगे और उसके बाद व्रत को मैं खोलूँगी। ये हमारे उत्तराखंड का लुक है, कैसा लग रहा है। ये इसे जो चुनरी है, इसको पिछौड़ा कहा जाता है उत्तराखंड में, क्या आपको पता ही होगा अगर आप उत्तराखंड से होंगे तो। तो ये देखिए, चांद आ चुका है, अब हम पूजा करेंगे और उसके बाद व्रत खोलेंगे। तो दोस्तों, हमारा ग्राउंड फ्लोर है, तो हमारा यहाँ पे छत भी नहीं है, सर्विस क्वार्टर में हम रहते हैं, तो बाहर पे आके ही व्रत खोलना पड़ेगा। और आज पूरा यहाँ गली में भी अंधेरा हो गया है, पता नहीं लाइट को क्या हो गया है इधर पे। तो चलो कोई नहीं, जैसा भी है, लेकिन व्रत तो खोलना ही है। तो हमने यहाँ पर आके पूजा की और अपना व्रत खोला। आ जाओ खाने के लिए, हम तो खा रहे हैं, अब भूख लग गई है बहुत तेज की। अब बड़ा
तो दोस्तों इस तरह रहा हमारा करवा चौथ, कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।